है गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपने उस वीडियो में मेकअप करते हुए मुझे देखा था, आई होप आप वीडियो देखकर ही आए होंगे। नहीं देखिए तो जाइए देखिए, उसमें मैंने हेयर ट्यूटोरियल नहीं दिखाया था, तो आज इसमें मैं आपको हेयर ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ पूरा कि मैंने कैसे किया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस इस वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में वगैरह, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है और एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा ही करना है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे। अब ये देखिए मेरा लगभग मेकअप कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। अब हम आएंगे अपने मैगी कल पे। जैसे कि आपने लुक में देख ही लिया है, मैंने मैगी कर लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब डिसीजन तो मैंने बना लिया था, लेकिन बहुत मेहनत का काम था और सेल्फ करना था मुझे। तो मैंने पहले तो सोचा कि करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को भी दिखाना था कि आप सेल्फ भी हर चीज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहे। इस वजह से मैंने सोचा नहीं कर लेते हैं मैगी कल और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो से। अब हमने एक साइड की टू पार्टीशन निकाली हैं। एक पार्टीशन को, आगे वाली पार्टीशन को हमने ऊपर टाई कर दिया है और एक पार्टीशन छोड़ दिए, और बाकी जो हमारे इस साइड वाले और पार्टीशन वाले बाल हैं सबको हमने टाई कर दिया है। इसके बाद जो हमने पार्ट निकाला है उसमें से वन सेक्शन, छोटा सा वन सेक्शन निकाल के उन बालों को भी हम लोग ऊपर अच्छे से टाई कर देंगे। अब मैंने मैगिकल की एक अलग से मशीन आती है, इसकी स्टिक थोड़ी पतली होती है तो अच्छे से मैगिकल होते हैं, वो मैंने ली है और अच्छे से गर्म कर दिया है उसको। अब मैंने जो सेक्शन निकाला उसमें से छोटे छोटे पार्ट निकाल के मैं कर्ल करती जाऊंगी। मैंने थोड़ी वीडियो ब्राइट कर दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, सेल्फ में कर्ल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप लोग न्यू कर्ल कर रहे हैं तो कोशिश करें आगे वाले बाल करें, पीछे वाले बाल ना करें, क्योंकि नेक पे बहुत झटके लगते हैं अगर न्यू हैं। तो ट्राई करें कि पहले प्रैक्टिस आगे वाले बालों पर करें, पीछे वाले बाल भले आप किसी और से करवा दें, आगे वाले बालों पे प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फिर ही आप पीछे वाले बालों से स्टार्टिंग करें, वरना बहुत ज़्यादा आप लोगों को झटके लग सकते हैं। ये बात का ध्यान दें सेल्फ हेयर स्टाइल करने पर। अब ये देखिए मेरे मैगी कल हो रहे हैं। पहले जो एक हुआ है इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारे लगते हैं मैगी कल। डिफ़िकल्ट हैं थोड़े, क्योंकि छोटे छोटे करने पड़ते हैं, टाइम बहुत लग जाता है। एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हम इनको, टाइम बहुत लगता है, डिफ़िकल्ट नहीं है इतने। अब जो हम कर्ल्स करते जा रहे हैं ना, उनको स्प्रे करें, वो कंपलसरी होता है। और स्प्रे अचानक से मेरे मुंह पे लग गया है, पर डोंट वरी, अच्छा मेकअप है ये तो ख़राब नहीं होगा। अब अगर हम उनको और भी कर्ल्स ऐसे लग रहा है कि मोटे हैं, तो हम टू हाफ करके भी इनको कर सकते हैं। इसी तरह मैंने पार्ट में से मैं सेक्शन लेती जा रही हूँ और उनको कर्ल्स करती जा रही हूँ। शुरू में मैंने दो कर्ल्स बहुत डिटेल में दिखाए हैं, अब उनको वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने आगे के पार्ट पर। पीछे का पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आगे के पार्ट पे पार्ट निकाल रही हूँ, वो भी आप देखिए कैसे होता है। सबसे पहले कान के पास से एक सेक्शन निकाला जाता है और छोटे छोटे सेक्शन ही निकालें, और कान को प्लीज़ संभालिएगा, क्योंकि कान से थोड़ा सा मशीन दूर ही रखें, झटका लग जाता है। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर दें, वरना बहुत झटके लगने वाले हैं। बहुत ध्यान दें इन चीज़ों का। 30 सेकंड्स के लिए इनके रखा करें, बना लें कर मशीन पे, बालों को फोल्ड करें, उसके बाद 30 सेकेंड्स रुकें, फिर ही बालों को रिमूव करें। और जिस तरह से मैं फोल्ड करती जा रही हूँ बालों को, ऐसे ही करें। एक दो बार वीडियो अच्छे से देखें पहले, फिर ट्राई करें। अभी इस तरह ही छोटे छोटे पार्ट कान के ऊपर से सेक्शन ले लेके हम सारे बालों को मैगी कल करते जाएंगे।
बहुत छोटे छोटे कलर्स करने पड़ते हैं तभी वो प्यारा लगता है। अगर कलर्स हमें थोड़ा बड़ा लगता है तो हम उसको 2.5 कर भी कर सकते हैं। मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा था, एक साइड से पूरे मैगी कर्ल्स मैंने कर लिए थे पर दूसरी साइड से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अपने डॉटर की हेल्प ली है। उससे मैंने थोड़ा फोर्स किया कि आके दूसरी साइड मुझे कर्ल्स कर दे। क्योंकि मैंने मेकअप भी पूरा किया है, ट्यूटोरियल बनाया है, उसके बाद एक साइड पूरा हमने छोटे छोटे कर्ल्स किए हैं तो बहुत थक जाते हैं। आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दें हमारी इतनी मेहनत पे। ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं कर्ल्स, और मैंने ऊपर से हल्का सा टाई किया है इनको। एक घंटा पूरा लगाएगा इस, पता है आपको, लाइक कर दीजिए एक घंटा। अब हमारे पास झुमका है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ओके गाइस, आई होप मेरा ये लुक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। गाइस बहुत मेहनत लगती है, आपने जैसे देखा होगा कि मैंने कर्ल्स किस तरह किए, हाथ दुख कर फिर मैंने किसी और से भी थोड़े करवाए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस इस वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में वगैरह। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है और एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा ही करना है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। तो इसी तरह ही हम बाकी भी अपने लुक लाते रहेंगे आपके लिए, तो आप देखते रहिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।